हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह और आज की वीडियो होने वाली है इन्वेस्टिंग को लेकर। आज हम कुछ सवालों के जवाब देंगे कि इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग क्यों स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है, इन्वेस्टिंग से फायदा क्या होता है और सब कोई इन्वेस्टिंग कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है, और हमारे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टिंग कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इन सब क्वेश्चंस के ऊपर आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आप कहाँ से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। बेस्ट ऐप कौन सा हो सकता है आपके इन्वेस्टिंग करने के लिए, आप कितने से इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना, या आप कितनी बड़ी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, अगर आपको कोई फ्यूचर गोल अचीव करना है तो आप कैसे इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं। इन सब चीजों के ऊपर आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह और आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज के टाइम में इन्वेस्टिंग करना कितना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आप ऐसे सोचेंगे कि अगर मैं यहाँ पर 5 सालों में या 10 सालों में 5 लाख रुपए इकट्ठे कर लूँ, 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लूँ, तो आप डेली सेविंग करके ऐसा नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आज के टाइम पे खर्चे ही इतने होते हैं कि सेविंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता और पैसे ही नहीं बचते कि हम सेव करें। तो उस चीज को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए। मान लीजिए आपका गोल है कि आप 20 साल बाद 50 लाख रुपए इकट्ठे कर पाए, तो आप ऐसे तो कर नहीं पाएंगे कि आपने क्या किया, 1 साल में 1 लाख रुपए जोड़ लिए, 2 लाख जोड़ लिए, 5 लाख जोड़ लिए, ऐसे आप कभी भी क्या कहते हैं इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही आप कभी आप ऐसे पैसे इकट्ठे कर पाएंगे। तो उस सब चीजों को खत्म करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टार्ट करना चाहिए इन्वेस्ट। इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप अपनी सैलरी के हिसाब से, जितनी भी आपकी सैलरी है, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 रुपए, तो आप उसका 5%, 1,000 रुपए हर महीने किसी ना किसी म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, तो आप कुछ टाइम पीरियड के बाद, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद एक बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट कर पाएंगे। तो ऐसे आप अपने इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है कि आपको बहुत ज्यादा अमाउंट इसमें डिपॉजिट करना है, तो ऐसा कुछ आप अपनी सैलरी का 5%, 10%, 20%, जितना भी आप बचा पा रहे हैं, वो आपको क्या करना है, किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या है, आपको एक ब्रोकरेज ऐप की जरूरत है, जैसे कि जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, ईटी मनी हो गया, बहुत सारे ऐप हैं, ठीक है, उनमें से कुछ की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके आप सिंपली वहां पर अपना एक डीमेट अकाउंट बना लीजिए। डीमेट अकाउंट बनाने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है और आप सिंपली कुछ स्टेप में अपना डीमेट अकाउंट बना सकते हैं। और अगर आपको डीमेट अकाउंट बनाने में अभी भी दिक्कत हो रही है, तो मैं डीमेट अकाउंट कैसे बनाते हैं उस वीडियो की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप सिंपली वहाँ A1 क्लिक करके आप पूरा जान सकते हैं प्रोसेस कि कैसे आप किसी ऐप में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया, तो उसके बाद आप इन्वेस्टिंग करना चालू कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास सबसे पहले फर्स्ट स्टॉप होता है कि आपको कोई एक म्यूचुअल फंड क्या करना है, सेलेक्ट करना। तो आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप अपने जो म्यूचुअल फंड, जो इन्वेस्टिंग की जर्नी है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे साथ जो कि हम फंड बताने वाले हैं, वो आपके लिए एक बेस्ट फंड हो सकता है, ठीक है ना। उसमें आप खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा रिसर्च भी कर सकते हैं मार्केट से नॉलेज लेके, उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट करना चालू कर सकते हैं। तो जो मेरा पहला फंड है, उसका नाम क्या है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो मैंने फंड सिलेक्ट किया है वो है टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट प्लान। इसमें क्या है कि ये एक इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड है, इसमें आप क्या कह सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो ये टाटा का म्यूचुअल फंड है, तो ये रिलायबल तो है क्योंकि टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसमें बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसकी अगर एनएवी की बात की जाए, तो एनएवी आप देख पाएंगे, एनएवी इसका है अभी के टाइम पे वह है 213 रुपीज, इसका एनएवी चल रहा है। एनएवी होता क्या है, एनएवी क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो आपको क्या करती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में एक शेयर देती है किसी भी म्यूचुअल फंड के, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता है, तो उनका एक टोटल शेयर बना के आपको दे रही होती है। तो उसका जो एनएवी है, नेट यूनिट वैल्यू, वो क्या है आपका 213 रुपीज यहाँ पर। उसका जो नेट रिटर्न आप देख पा रहे होंगे सिंस पर है ना, मतलब 1 साल का इसका कितना, 18% इसने क्या दिया हुआ है, 1 साल में रिटर्न दिया हुआ, तो आप उसका रिटर्न भी देख सकते हैं कितना अच्छा है, ठीक है ना। अब हम इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि इसका एक्सपेंस रेशियो कितना है, ठीक है ना, और इसका क्या कहते हैं एग्जिट लोड है या नहीं है, ये सारे टर्म है। अगर आप इनके बारे में भी नहीं जानते, ठीक है ना, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी जहां पर मैंने डिटेल में ये सारे टर्म्स को एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर जाएं और जरूर देखें अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आया, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पाएंगे कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है, एक्सपेंस रेशियो 1.18 है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है, वैसे 1 के नीचे होता है तो अच्छा होता है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है कि जो भी हमारी कंपनी है, मान लीजिए जो भी हमारा फंड मैनेज कर रहे हैं, जो भी मैनेजर हैं,
उनकी एक टीम होती है, उनकी एक रिसर्च टीम होती है, तो उनका खर्चा होता है जो कुछ भी, वो सब किस में आता है, एक्सपेंस रेशियो में आता है, जो कि यहाँ पर कितना है, 1.18% है। ठीक, तो वो क्या है कि जो 1.1% है, आप जो भी अमाउंट डालेंगे उसमें से 1.18% वो कट कर लेंगे, वो भी उनका एक्सपेंस के लिए, क्योंकि कोई भी, आप तो अपना फंड मैनेज कर ही रहे, तो कोई ना कोई मैनेजर तो होगा, उनके बारे में भी जानेंगे क्या कौन मैनेजर है, तो वो मैनेज क्या करते हैं आपका फंड, उसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ता है, आपको टोटल रिसर्च नहीं करनी पड़ती, जैसे कोई स्टॉक में आप लगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड से एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या है कि जब आप क्या कहते हैं इस म्यूचुअल फंड से कभी बाहर निकलेंगे तो आपको कितना पैसा पे करना, जो कि है 25% पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। एएमयू की बात करें, एएमयू क्या होता है, फंड साइज, मतलब कितना बड़ा ये फंड है, कितने लोगों ने इसमें क्या किया हुआ है, पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, और मतलब कितना ट्रस्ट वर्थी फंड है, वो उसके एएमयू से पता चला। तो आप देख पा रहे हैं कितना, ये है 2,565 करोड़ का ये फंड है, तो आप देख सकते हैं कितने सारे लोगों ने इसमें क्या किया हुआ है, ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये किया हुआ लॉक इन पीरियड। तो लॉक इन पीरियड क्या होता है, लॉक इन पीरियड होता है कि आप अगर मान लीजिए आपने इस फंड में एक बार इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ टाइम पीरियड के बाद ही निकल सकते हैं, या 5 साल या 10 साल बाद, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख पाएंगे यहाँ पर क्या है, नो लॉक इन पीरियड, मतलब अगर मान लीजिए आपने अभी इन्वेस्ट किया और आप 5 दिन बाद निकलना चाहते हैं फंड से, तो आप निकल सकते हैं, तो बहुत अच्छा फंड है इस हिसाब से। ठीक, अगर आप इसकी एज की बात करें तो कितना पुराना फंड हो चुका है, तो इसको 11 साल 8 महीने हो चुके हैं, ये कब स्टार्ट हुआ था, और इसको देखेंगे कि फंड स्टार्ट कब हुआ था, ये होता जनवरी 1, 2013 को ये फंड स्टार्ट हो गया था, 11 साल 8 महीने इस फंड को हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका आप 11 साल तक का डाटा जो भी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, और इसका अगर बेंचमार्क की बात की जाए तो जो इसका बेंचमार्क है वो क्या है, BSE इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर TRI। ठीक, बेंचमार्क क्या होता है कि ये कौन से स्टॉक को, जो भी मतलब जो कंपनी के स्टॉक होती है उनको क्या करता है, फेस करता है, ये करता है BSE इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर TRI को। ठीक, उसके बाद अगर आप देखना चाहें कि आप कितना मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस फंड में, अगर आप मिनिमम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो क्या कर सकते हैं, SIP स्टार्ट कर सकते हैं 500 रुपए से, और लमसम अमाउंट होता है वो आप कर सकते हैं 5,000 रुपये, मतलब आप मिनिमम से मिनिमम 5,000 रुपये लमसम में, और 500 रुपये आप मंथली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, SIP स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आप कितना कम यहाँ पर पैसा डाल के भी आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, अब इसके जो और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक, तो जैसे कि मैं नीचे की तरफ आता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको ट्रेलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। ट्रेलिंग रिटर्न का मतलब क्या है कि इसके जो रिटर्न है यहाँ पर साइड बाई साइड दिया हुआ है कि पर मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, 3 ईयर का, 5 ईयर का, और 10 ईयर का, आप देख सकते हैं साइड बाई साइड मैंने यहाँ पर PDF बनाया हुआ है, तो इससे आप देख सकते हैं कि इसका रिटर्न कितना अच्छा है। अगर आप 1 मंथ का देखेंगे तो इसमें कितना, अभी वन एक मंथ में तो क्या ही रिटर्न होता है, तो और अभी मंथ चल चल रहा है तो इसका कितना दिखा रहा है, 1.76%। 3 मंथ का देखेंगे तो 1.28%, और अगर 6 मंथ का देखेंगे तो कितना दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 28.18% यहाँ पर रिटर्न दिखा रहा है, और 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में कितना है, 57.17%, तो देख सकते हैं पर एनुअल कितना इसने रिटर्न दिया हुआ था। ठीक है, 3 ईयर्स की बात करें तो 3 ईयर्स में कितना है, 33.26% है, 5 ईयर की बात करें तो 32 है, और 10 ईयर्स की बात करें अभी तक तो कितना, 18% इसने दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किसका कितना, 10 साल का अभी तक के पूरा ऑन एन एवरेज दिखना लगा, उसने कितना 18% से ज्यादा करने कह दिया हुआ है, रिटर्न दिया हुआ। ठीक है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अभी मैं क्या कहते हैं लाइफ प्रूफ दिखाऊंगा आपको, SIP कैलकुलेट करेगी कि अगर मान लीजिए आप 18% से पर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ तक जा सकता है, जिससे हमें पता चलेगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग होती क्या है वो हमें पता चलेगा। ठीक है, थोड़ा और इस फंड के बारे में जान लेते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं नीचे की तरफ आ जाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैंने बताया कि आप लमसम में 5,000 रुपये, और मिनिमम SIP 100 रुपये से भी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं, और 500 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या 1,000 से भी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप SIP से कितने से स्टार्ट करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से आपको 1,000 रुपये से स्टार्ट करना चाहिए, तभी आप कुछ टाइम बाद कुछ ज्यादा अमाउंट यहाँ पर बना सकते हैं, और 1,000 रुपये ज्यादा नहीं है, आपकी सैलरी 20,000 रुपये भी है तो आप अपनी सैलरी का सिर्फ 5% इन्वेस्ट कर। ठीक, उसके बाद अगर हम बात कर रहे थे फंड मैनेजर की, तो इनके फंड मैनेजर कौन है, ये है अभिनव शर्मा, ये आप इनके बारे में देख सकते हैं कि इनके पास BTech की डिग्री है IIT कानपुर से। ठीक है ना, और ये क्या कहते हैं IIM कैलकाटा में इन्होंने ये डिग्री की हुई थी, तो आप इनके बारे में देख सकते हैं, ये लगभग लगभग पूरे 11 साल से इस फंड को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो इनके निगरानी में ही फंड ने जो भी आप पर रिटर्न देखे वो इनकी निगरानी में ही पूरे फंड के रिटर्न थे। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे फंड मैनेजर हैं जो आपको इतना सारा रिटर्न दे रहे हैं, और आप टाइम टू टाइम क्या कर सकते हैं, जो फंड का होता है इसको आप
जज भी कर देते हैं, मतलब आप खुद से चेक कर देते हैं कि फंड कैसा ग्रो कर रहा है, अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप उसके हिसाब से आप अपना पैसा निकाल या फिर और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक। यहाँ पर आप देखेंगे तो एसेट एलोकेशन, क्योंकि हम फंड में डाल रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो फंड है, जो फंड मैनेजर है, वो किस सेक्टर में कितना अमाउंट क्या कर रहे हैं या कितना परसेंटेज क्या कर रहे हैं डाल रहे हैं, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक अच्छे इन्वेस्टर की पहचान होती है। तो हम भी ये चीज चेक करेंगे। तो जैसे कि आप देख पाएंगे इक्विटी में इन्होंने कितना, लार्ज कैप में इन्होंने 31% डाला हुआ, मिड कैप में देखेंगे तो 24.44% डाला हुआ, और स्मॉल कैप में क्या है 40.52% डाला हुआ, और अदर में इन्होंने 0, ठीक। और डेप और अदर में यहाँ पर इनका 3.97 भी यहाँ पर दिया है। तो अदर में मतलब क्या होता है कि इन्होंने ऑन हैंड पैसा दिया हुआ है या फिर और किसी चीज में लगाया हुआ है, इनसे हटा के, इक्विटी से हटा के, ठीक, या डेप से हटा के। तो ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने कितना लार्ज कैप में इतना, मिड कैप में इतना, स्मॉल कैप में इतना, और अदर में इतना डाला, ठीक। अब हम देखेंगे कि टॉप होल्डिंग मतलब कंपनी को सबसे ज्यादा होल्डिंग है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर लेंसर एंड टर्को मतलब L&T में 5.5% यहाँ पर डाला हुआ है, NTPC में देख पाएंगे तो 3.77, अडानी पोर्ट्स में देखेंगे तो 2.66, और दर रेमो को कमेंट्स में देखेंगे तो 2.26% इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक। टॉप सेक्टर की बात करते हैं तो टॉप सेक्टर इन्होंने कैपिटल गुड्स में डाल रखा है 26.19%, कंस्ट्रक्शन में देखेंगे तो 17.31%, एनर्जी सेक्टर की बात करेंगे तो कितना 16.78% डाला हुआ, और मटेरियल्स की बात करेंगे तो 14.32% यहाँ पर इन्होंने इन सारी चीजों में डाला हुआ है। तब ने देखा कि कैसे, हमने एसेट एलोकेशन भी देख लिया कि कौन कितने एसेट कहाँ कहाँ इन्होंने डाला। ये एक इन्वेस्टर की पहचान होती है कि वो सारे एसेट एलोकेशन देखे कि ये जो हमारा फंड है वो असल में इन्वेस्ट करता कहाँ, क्योंकि जो जहाँ ये इन्वेस्ट करेगा वहीं से तो आपको क्या मिलेगा, आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक। तो ये सारी चीजें जो हमने देख ली फंड के बारे में। अब थोड़ा सा फंड के रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं एडवांस रेशियो है, तो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ रिस्क फैक्टर, तो ये हमें क्या बताते हैं, ये कुछ इंडिकेटर होते हैं जो हमें रिस्क फैक्टर के बारे में बताते हैं, ठीक। जैसे कि हमें अल्फा बीटा शार्प और स्टेनियो ज्यादातर देखना होता है, ये सब क्या है रेशियो है बाय टॉप 5 कंपनी से, टॉप 20 कंपनी से, ठीक है। परचेज एंड अर्निंग रेशियो है, परचेज एंड बाइंग रेशियो है, तो ये सब रेशियो ये हुए, इनको जानने की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या देखना होता है, ज्यादातर अल्फा बीटा शार्प और स्टेनियो। तो आप अल्फा देखेंगे तो अल्फा कितना है 6.68 पर, बीटा कितना है, बीटा है 0.51। बीटा क्या होता है, वन से, बीटा वन से छोटा होता है, और अल्फा वन से जितना ज्यादा बड़ा हो उतना अच्छा, ठीक। तो मैं आपको यहाँ पर बेसिकली नॉलेज दे देता हूँ अल्फा बीटा के बारे में, ये सब क्या होते हैं रिस्क फैक्टर होते हैं जो भी हमारे फंड के बारे में बताते हैं कि हमारा फंड कितना अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अल्फा होता है, अल्फा हमेशा वन से जितना ज्यादा बड़ा उतना अच्छा होता है, ठीक। बीटा क्या होता है, बीटा वन से जितना छोटा हो उतना अच्छा होता है। शार्प होता है, शार्प भी वन के अराउंड ही रहता है, मतलब वन से टू के बीच में रहता है, ठीक। तो ये है सही है। और स्टेनियो की बात करें तो ये कितना भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, ठीक। तो ये सारे फैक्टर कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या इनके होता है, तो ये सब अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में एक वीडियो होगी कैसे हम रिस्क रेशियो होते हैं उनको कैलकुलेट करते हैं या कैसे पता करते हैं। तो सिंपली आप वन क्लिक करके उस पूरी वीडियो को देखें और समझे कि अल्फा कैसे वर्क करता है, बीटा कैसे वर्क करता है, शार्प कैसे वर्क करता है, स्टेनियो कैसे वर्क करता है, ठीक है। और आप इन पी रेशियो पीवी रेशियो के बारे में भी और अच्छे से वहां पर समझ। तो ये हमारा जो टोटल हो गया, ये हमने बात कर ली हमारे फंड के बारे में, ठीक है ना, कि हमारे फंड की डिटेल्स क्या है, क्वेरीज क्या है, ठीक है ना, और कहाँ कहाँ फंड ने अपने पैसा लगाया हुआ, कितना हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, उसका रिटर्न कितना था, ठीक है ना, और ये कब बना था, इसका लॉक इन पीरियड क्या है, एग्जिट लॉक क्या है। तो ये सब चीजें हमने यहाँ पर देख ली, अपने NAV भी चेक कर लिया। तो मैंने जो फंड बताया आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, या फिर मैंने उससे पहले भी और फंड भी बताए हुए हैं, आप उनको कंसीडर कर सकते हैं जो कि क्या है बेस्ट फंड है। मैंने अपने एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर फंड सिलेक्ट किए हुए हैं, और आप अपने एनालिसिस के हिसाब से फंड सिलेक्ट करें और उसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चालू करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में जो भी इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हम ऐसे ही इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग या फिर मार्केट से रिगार्डिंग यहाँ पर वीडियो लाते रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत सारा ध्यान, धन्यवाद।